हेलो एवरीवन, आई एम जरका सरवत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ जेटी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक। डियर स्टूडेंट, इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, सिक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड नाउ इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन। डाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म। इन दैट मैकेनिकल डाइजेशन बाय मास्टिकेशन एंड स्वेलोइंग, केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम। डाइजेशन जो है ये प्रोसेस है फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और ये दो तरीके से पॉसिबल है। कौन से दो मेथड से? मैकेनिकल डाइजेशन विच इज डन बाय मास्टिकेशन एंड स्वेलोइंग, नंबर टू केमिकल डाइजेशन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द लूमेन ऑफ द गट इनटू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक वेसल। एब्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द लूमेन ऑफ गट। इट मीन्स दैट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लूमेन होगा उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है सिंपल फॉर्म में वो एब्सॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए चार्ट विच कैन शो केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। इन दैट एसिड प्लस पेप्सिन, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन, दिस इज द गैस्ट्रिक जूसेस विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द स्टमक, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डाइजेशन। ऑल्सो इन स्टमक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज पेरिस्टाइलिस। This peristalsis is an example of mechanical digestion. मतलब स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही डाइजेशन की एग्जाम्पल दी गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के थ्रू जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसके थ्रू केमिकल डाइजेशन होगा, और स्टमक में ही पेरिस्टाइलिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑकर इन द जी आई लुमेन बाय सिक्रेटेड एंजाइम एंड ऑन सरफेस ऑफ इंटेरोसाइट्स बाय मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये प्राइमरी साइट है फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्सॉर्प्शन होता है जो भी फूड मटेरियल प्रेजेंट है सिंपल फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डाइजेशन ऑकर इन द जी आई लुमेन बाय सिक्रीटेड एंजाइम एंड ऑन सरफेस ऑफ एंटेरोसाइट बाय मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। एब्सॉर्प्शन ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, डिफरेंट मेथड है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन के लिए। इट ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड पैरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय एक्सटेंसिव फोल्डिंग एंड द प्रोजेक्शन ऑफ फिंगर लाइक विलाय कवर्ड विथ माइक्रोविलाय। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय एक्सटेंसिव फोल्डिंग, दिस फोल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ सिंपल फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल, एंड दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज विलाय विच इज कवर्ड विथ माइक्रोविलाय। इंटेस्टिनल म्यूकोजा, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है इसमें क्लियरली हमें दिखाई देता है जैसे प्रेजेंस ऑफ विलाय विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, दिस इज द विलाय। ओके, दिस विलाय कंटेन द स्मॉल माइक्रोविलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। दिस इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, गॉबलेट सेल, एब्सॉर्प्टिव सेल। आफ्टर दैट दिस इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर, दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोजा, लेमिना प्रोप्रिया
and also there is a presence of some endocrine cells. Absorption of water. First of all, absorption of water in this photograph, it is clearly shown by this photo, that is the input and absorption of water. Input by 2 liter food and drink, 2 liter by food and drink, 1.5 liter saliva, that is salivary gland, 0.5 liter by, that is from liver, 2.0 gastric secretion, 2.0 liter from gastric secretion, 1.5 from pancreatic secretion, 1.5 from intestinal secretion, and absorption ka jo level hai wo diya gaya hai 7.5 liter from small intestine, 1.4 liter from large intestine, and excretion in the feces, that is 0.1 liter in feces and 9 liter removed from the lumen. So this is the absorption and input ratio of water. Also digestion of carbohydrate, that is starch and glycogen. Some example hai starch and glycogen, glucose polymer. So by the action of amylase enzyme, salivary or pancreatic amylase, which is secreted from the salivary gland and pancreas, so these amylase are involved for the conversion of carbohydrate into maltose, that is disaccharide, sucrose, lactose. These maltose, sucrose and lactose further change into two glucose molecule. Maltose is converted into two glucose molecule by the action of maltase enzyme, sucrose into one glucose plus one fructose by the action of sucrase enzyme, and lactose by the action of lactase into one glucose plus one galactose by the action of lactase enzyme. So digestion of carbohydrate means glucose polymer into the disaccharide, and after that disaccharide gets break into the glucose, fructose and galactose. Next, absorption of carbohydrate. So it is the lumen of intestine. This is the lumen of intestine. Okay, this is the lumen of intestine, and it is the blood capillary, and this is the intestinal mucosa. So there are various method of transportation or absorption of these molecules, that is glucose, galactose. Enterocyte absorb glucose and galactose through an sodium dependent secondary active transport process. Okay, yahan par aapko dikhai de raha hai sodium dependent secondary active transport process. सोडियम डिपेंडेंट मीन्स देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर जी, ठीक है. तो ये सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है उसकी एंट्री होगी इनटू द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. इसके अलावा जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये एब्सॉर्ब होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. हियर वी कैन सी ये है फ्रुक्टोज, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन इनटू द ब्लड कैपिलरी. नेक्स्ट, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट है रीजन है ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड प्रोटीन दैट इज पेप्सिन कन्वर्टेड इनटू द पेप्टाइड्स बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज इनटू द शॉर्ट पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स. इंटेस्टिनल म्यूकोसा इन दैट पेप्टिडेजेस is converted into the amino acid by the facilitated diffusion and co-transport. Facilitated diffusion and co-transport into the blood stream in the simple form of protein, that is the monomer of protein amino acid. After that, absorption of protein kaise hoga, iske liye bhi the whole protein by endocytosis, amino acid and di and tripeptide by sodium dependent secondary active transport. Secondary active transport होगा यहाँ पर sodium dependent, मतलब यहाँ पर भी transporter use होगा. Okay,
लास्ट है डाइजेशन ऑफ फैट्स, इसमें एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेजेस के एक्शन के थ्रू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कन्वर्ट होगा कोलेस्ट्रॉल में। ट्राइग्लिसराइड बाय द एक्शन ऑफ लाइपेजेस। फॉस्फोलिपिड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, दैट इज फॉस्फेट प्लस फैटी एसिड, गेट्स कन्वर्टेड इंटू द मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये दिखाया गया है कि जो लार्ज फैटी मॉलिक्यूल है लुमेन में, इंटेस्टिनल लुमेन में, ये कन्वर्ट होगा इंटू द फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल मोनोग्लिसराइड। उसके बाद बाइल सॉल्ट के थ्रू उसका इमल्सिफिकेशन होगा, मतलब उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फॉस्फोलिपिड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू लिम्फ वेसल्स में एब्सॉर्ब होंगे। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू। कीप वॉचिंग, थैंक यू।